सो हेलो फ्रेंड्स आई वेलकम यू टू अंदर सेशन इन विच वी आर डिस्कसिंग प्रीवियस ईयर वकैप फ्राम एस एस सी वेरियस एग्जाम्स उसी से कंटिन्यू करते हुए आपको पता है इस वीक हमने सिनॉनिम्स किए थे तो आज इस वीक का लास्ट क्लास है जिसमें हम आज भी सिनानियम्स से डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट वीक हम बात करेंगे इंटानम्स की दैन थ्रू आउट दैट वीक हम इंटानम्स को डिस्कस करेंगे उसके बाद फिर हम जाएंगे वन वर्ड आप ट्यूशन पर से तो फॉर्मेट ऐसे ही रहेगा तो आज की सीरीज़ जो रहेगी वो लास्ट में हमने प्रीवियस क्लास में सिक्सटी वन क्वेश्चन कर लिए थे तो इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं सिक्सटी टू से स्टार्ट करूँगा कुछ मेरे पास अगेन ट्वेंटी के अराउंड सेंटेंसेज अवेलेबल है जिसमें हम ट्वेंटी क्वेश्चन करेंगे उनके सिनोनिम को सर्च करेंगे और रिमेनिंग थ्री ऑप्शन जो बचेंगे उनके मीनिंग्स को भी डिस्कस करेंगे सो ये सब कुछ आज के सेशन में रहेगा बहुत इन्जॉय करोगे आप इस सेशन को बहुत अच्छे से समझ पाओगे तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास क्या अवेलेबल है सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम ऑलरेडी नो आम बिकॉज राइट है आपको कुछ भी समझ आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करके मुझे जरूर बताना और मुझे ये भी बताना कि आपको कौन से वर्ड का मीनिंग ऑलरेडी पता था बट वो ऑप्शन के अंदर नहीं था बट उसका सुनाने में आपको ऑलरेडी पता था तो सबको स्टार्ट करते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे पास क्या अवेलेबल है यह क्वेश्चन पूछा गया है सी जी एल की फर्स्ट सेटिंग में ट्वेंटी थर्टीन में इसमें भी आपके पास वही है कि आपके पास फोरनेटिवस हैं आपको एक ऐसा वर्ड निकालना है जो बेस्ट मीनिंग बताता हो तो आपके पास वर्ड जो है ना वो है सिटेडल ये क्या है ये एक नाउन है सिटेडल इसका आपको मीनिंग बताना है आपके पास ऑप्शन है मेट्रोपोलिस मैंशन फोर्ट्रेस और पैलेस अब यहाँ पर ना मैं आपको अगर आप में से किसी ने लेट से एक शो कंसीडर करते हैं गेम ऑफ थ्रोन एक शो था है ना अगर आप में से किसी ने देखा हो वहाँ पे ना एक प्लेस थी सिटेडिल जो कि ना एक लाइब्रेरी थी बहुत बड़ी है ना बहुत बड़ा एक लाइब्रेरी था जिसके अंदर सभी बुक्स थी अगर आपने देखा होगा तो आपको ऑलरेडी पता होगा अगर आपने सुपरमैन मूवी देखी है वहां पर भी मेट्रोपोलिस की बात आती है मैन ऑफ स्टील में, में मेट्रोपोलिस की बात आती है अब यहाँ पे आपके पास फोर ऑप्शन है इनमें से देखते हैं अब क्या होता है देखिए मेट्रोपोलिस क्या होता है ये एक बहुत बड़ी आ, ये लगा लो एक टाइप का एरिया है ये काफी बड़ा है मेट्रोपोलिस मेट्रोपोलिटन स्टेट्स होती हैं ना जो विलेजेस के अपोजिट होती हैं बड़ी बड़ी सिटीज लाइक दिल्ली ऐसा ही तो समर्ट उससे सिमिलर रहता है मैं क्या होता है मैंशन एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है बहुत बड़ी बिल्डिंग मैंशन बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है अब इसके बाद बात आती है फोर्ट्रेस की फोर्ट्रेस एक फोर्ट टाइप स्ट्रक्चर होता है जब हम ना प्रोटेक्शन के लिए जैसे अब पुराने टाइम में क्या होता था किंग और क्वीन या उनके आसपास के एरिया के जो लोग होते थे मतलब जो उनके किंगडम के पीपल होते थे अटैक के टाइम पे वो क्या करते थे अपनी बिल्डिंग को ना फोर्टिफाई करते थे फोर्टिफाई का मतलब क्या होता है उसको प्रोटेक्ट रखते थे मैंड कर देते थे उसको आर्म्ड कर देते थे उसको ताकि जो इन्वेडर्स है ना जो उस पर अटैक करने वाले लोग हैं जो इन्वेडर्स हैं जिन्होंने बिल्डिंग को सीज किया हुआ है वो सभी लोग क्या करते थे बिल्डिंग को सराउंड तो कर लेते थे उस पैलेस को या उस फोर्ट को सराउंड तो कर लेते थे पर वो खुद की प्रोटेक्शन के लिए फोर्ट को फोर्ट्रेस में कन्वर्ट कर देते थे जगह जगह पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती थी आर्मी के मेंबर्स सोल्जर्स खड़े किए होते थे उन्होंने तो अलग अलग टाइप में वॉच टावर्स पे भी लोग होते थे तो फोर्ट्रेस का मीनिंग क्या होता है एक प्रोटेक्टेड बिल्डिंग और इसके बाद जो आपके पास लास्ट पचता है वो होता है एक पैलेस

स्टर्न इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं लेट से द टीचर और यू कैन से द न्यू टीचर इज वेरी स्टर्न रिगार्डिंग हर सब्जेक्ट्स यहाँ पर सब्जेक्ट्स का मीनिंग क्या है मुझे कोई बता सकते आप में से यहाँ पर सब्जेक्ट्स का मीनिंग है उसके स्टूडेंट्स मतलब वो अपने स्टूडेंट्स को लेकर काफी स्टर्न है स्टर्न का मतलब क्या है क्या वो लीनियंट है या वो यंग है या वो स्टेम है या वो स्ट्रिक्ट होता है Stern का meaning होता है एक hard या एक या करो मतलब जो काफी strict हो अपनी बात को लेकर लीनियंट ना हो फ्रीली किसी को मूव ना कर दे विदाउट परमिशन तो वो हिलना भी ना दे मतलब वो काफी ये लगा लो कि वो उन स्टूडेंट्स को लेकर काफी स्ट्रिक्ट है तो इसका सिनोनिम तो बनेगा स्ट्रिक्ट

स्कूल्ड करना पड़े वो सब कुछ करेगा जिससे कि वो क्या हो अपने काम को निकलवा पाए तो जो लोग ऐसे करते हैं वो कैसे स्टर्न या स्ट्रिक्ट होते हैं मतलब वो रूल्स को बेंड नहीं करते वो रूल्स के अकॉर्डिंग रहेंगे वो एक परसेंट भी इधर से उधर नहीं होने देते अब कुछ टीचर्स होते हैं ना जो आपसे फ्रेंकली बात कर लेते हैं और आपको समझाते हैं प्यार से कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो एक बैरियर सा क्रिएट करके रखते हैं और वो क्या होता है वो सिर्फ लिमिटेड बात करते हैं उतनी बात करते हैं जिससे कि उनका सब्जेक्ट क्लियर हो जैसे सपोज आपने एक दिन होमवर्क स्किप कर दिया कुछ टीचर्स होंगे कोई बात नहीं आपको ये कहेंगे कि आज आज किया कल करके आ जाना पर कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं वो सिंगल डे के लिए भी आपको पनिशमेंट दे देते हैं वो टीचर्स कैसे हैं वो स्टर्न टीचर्स हैं और हर चीज की नेसेसिटी है आपको एक स्ट्रिक्ट टीचर भी चाहिए आपको एक लीनियन टीचर भी चाहिए बट ज्यादा लीनियंसी जब हो जाती है हम काम करना बंद कर देते हैं ज्यादा स्ट्रिक्टनेस जब हो जाती है तब हम वैसे ही पढ़ना बंद कर देते हैं लेक्चर्स को बंद कर लेते हैं होता है, है ना ऐसा तो ये तब का केस है चलिए अब हम आगे देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट में क्या है हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एबरेशन अब एबरेशन क्या होता है एबरेशन है एक नाउन एबरेशन का मीनिंग क्या होता है सॉरी <coughs> सपोज करो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया एक सेंटेंस दिया देर वर मेनी एबरेशन ड्यूरिंग

क्या हम एक्सपेरिमेंट्स को सही ठहराएंगे अब हम आ, हमें ऑलरेडी पता है कि वो एक्सपेरिमेंट्स हम क्यों कर रहे हैं तो जस्टिफिकेशन एक एक्सपेरिमेंट की बहुत सारी जस्टिफिकेशन हो भी सकती हैं बट क्या यहाँ पर मीनिंग है इंटेंसिफिकेशन किसी चीज़ को बढ़ाना क्या हम किसी को इंटेंसिफाई कर सकते हैं डिवियशंस डिशन्स होता है उसमें चेंजेस एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे डिवियशंस थे बहुत सारी चेंजेस थे हो सकता है रैशनैलिटी रैशनैलिटी का मतलब होता है कि कौन सा चीज़ कितना प्रैक्टिकल है अब जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ऑब्वियसली वो प्रैक्टिकल है हम तभी परफॉर्म कर रहे हैं रेशनलिटी के होने के तो बात ही नहीं है एब्रेशन का मतलब होता है डिविएशन कि जो भी आप चीज़ कर रहे हो उसमें कितनी हैं, आपको दिक्कतें आ रही हैं कितने उसमें चेंजेस आ रहे हैं कोई ऐसी चीजें जो अनयूजल है उसमें अलग अलग चीजें हैं जो एक आप नॉर्मली कॉज नहीं करते किसी चीज़ को पर वो खुद से कॉज हो रही है वो सभी क्या हैं वो एब्रेशन है और वो डिविएशन है आई होप आपको बात क्लियर है आपको इसमें कोई डाउट नहीं चलिए अब हम सिक्सटी देखते हैं उसके अंदर हमें क्या अवेलेबल है हमारे पास वर्ड है कॉन्डोन। अब कॉन्डोन क्या होता है कॉन्डोन होता है ये है एक्चुअली एक वर्ब कॉन्डोन का मीनिंग क्या होता है किसी को माफ कर देना टू फर्गव और पार्डन जब आप किसी को माफ कर देते हो फर्गव कर देते हो पार्डन कर देते हो वो क्या है वो कॉन्डोन है और आपके पास इन्होंने आपको देखिए क्या forgive? सपोर्ट किसी को सपोर्ट करना नहीं होगा फॉरगेट कोई बात को भूल जाना नहीं होगा डिफेंड किसी चीज को डिफेंड करना वो भी नहीं है कॉन्डोन का मतलब है सिर्फ माफ़ करना जरूरी नहीं है कि आप जिस चीज़ को माफ़ कर रहे हो क्या उसको भूल रहे हो ऐसा भी नहीं है क्या ये भी नहीं है कि आप जिस चीज़ को माफ़ कर रहे हो उसको सपोर्ट भी कर रहे हो और ऐसा भी नहीं है कि जिस चीज़ को आप माफ़ कर रहे हो आप उसको डिफेंड भी कर रहे हो माफ़ आप अलग अलग रीजन के लिए कर सकते हो तो बहुत सारे रीजनस है बट यहाँ पर कॉन्डोन का जो मीनिंग है वो है माफ़ करना किसी को टू पार्ट तो याद रखना पार्डन और फर्गेव दोनों सिनोनिम्स होते हैं तो यहाँ पर जो इसका मीनिंग बनेगा वो क्या बनेगा पार्डन या फर्के आई होप आपके बात क्लियर है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये सीजीएल की फर्स्ट में ही था आपके पास टू में चलिए हम आगे देखते हैं हमारे पास सिक्सटी में क्या एनोलॉजी एनोलॉजी क्या होता है ये आप अगर मैं आपको बताऊं रीजनिंग में भी करते हैं ना आप रीजनिंग जब आप अपनी करते हैं उसमें एनोलॉजी का कॉन्सेप्ट आता है एनोलॉजी क्या होता है अब आपको पता है कि आप पैटर्न को फिल करोगे ना तो एनालॉजी का मीनिंग क्या होता है कंपैरिजन जब टू थिंग्स को कंपेयर करके अपना रिजल्ट निकालोगे ना एनालाइज करोगे एक सिचुएशन को अगर से कोई भी रिजल्ट दोगे तो वो क्या है वो आपकी कंपैरिजन का केस ही तो है डिफरेंस तो उनके बीच में डिफरेंस निकालना होता है एडिशन किसी चीज़ को ऐड करना डिलीशन किसी चीज़ को डिलीट करना बट एनालॉजी का मतलब एनालिसिस से है एनालिसिस का मतलब क्या होता है जब आपके पास कुछ कंडीशन दी जाए आप उनको अंडरस्टैंड करके जब एक रिजल्ट प्रोड्यूस करते हो ना तो आप क्या कर रहे हो आप सिचुएशन को एनालाइज तो कर रहे हो समझ रहे हो ना उसको अब कंपेरिजन इसलिए क्योंकि आप एक कंडीशन आपको गिवन है उसको कंपेयर करोगे ना अपनी कंडीशन से फिर उसके बाद एक आउटकम को जनरेट करवाओगे सो वो क्या केस बन जाएगा वो केस बन जाएगा आपका एनालॉजी का डिफरेंस तो बेसिकली डिफरेंस निकालना ही होता है कंपेरिजन और डिफरेंस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं बट डिफरेंस में हम उनकी डिसिमिलिटी दि को हाईलाइट करते हैं कंपैरिजन में तो बस उनके प्रोज और कॉन्स को हैंडल करते हैं प्रोज कॉन्स है ना जैसे पूछ करो, आपके पास एक मोबाइल फोन वन है और मेरे पास एक मोबाइल फोन टू है दोनों सेम ब्रांड्स के हैं, दोनों सेम एक्स ब्रांड के हैं बट उनका मॉडल डिफरेंट है ये मॉडल वन है ये मॉडल टू है तो आप यहाँ पे क्या करोगे उनका कंपैरिजन करोगे ना कि उनमें क्या क्या इधर जो चीज आपको मिल रही है क्या दूसरी साइड है या नहीं डिफरेंस में तो आप सिंपली उनके डिफरेंशियट कर दोगे उनको दोन में हम खाली कंपेयर करते हैं उनके यूजेस के बेसिस पर या उनके कमियों के बेसिस पर तो ये आपके पास केस है एडिशन और डिलीशन होगा नहीं आई होप आपको बात क्लियर थी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था चलिए अब हम सिक्सटी सेवन देखते हैं उसके अंदर हमें क्या अवेलेबल है हमारे पास वर्ड है एलियोर एलियोर का मतलब क्या होता है देखो एलियोर अब इसके अंदर आ, देखो ये है करने से अब ल्यूर क्या होता है देखो अगर मैं बताऊं लेट्स एक एग्जांपल लिखा मैंने जैसे द हंटर ल्यूड द लाइन इनटू द केज या सपोज करो जब आप आपसे कोई काम करवाया जाए आपको बहला फुसला के जब कोई काम करवाया जाता है ना तो वो क्या होता है वो ल्यूर करना होता है ल्यूर होता है वो पर एल्योर का मतलब क्या है एल्योर है आपके पास एक एड अब यहाँ पर आपको बताना है कि आपको इसका सिनोनिम निकालना आप देखो आपके पास क्या है एक्सटोल ये वर्ब का काम भी कर सकता है एक्सटोल का मीनिंग क्या होता है जब आप कोई काम ना काफ़ी इंटरेस्ट से कर रहे हो बहुत इंटरेस्ट लेके कर रहे हो एंथ्यूजियाजम से कर रहे हो तो वो क्या बन जाएगा वो एक्सटोल हो जाएगा एंटाइस एक्साइट एक्साइट का मीनिंग क्या होता है एक्साइट का मतलब तो एक्साइटमेंट ही है जब आप किसी को देख किसी चीज को देख कर काफी इंप्रेस हो या कोई काम करने के लिए आप काफी एक्साइटेड हो तो वहां पर क्या आपके पास एक्साइट अब एंटाइस का मीनिंग क्या होता है एंटाइस का मीनिंग होता है सेम वही जो एलियोर वाले कि जब आपको कोई पर्सन प्रोवोक करे या बहलाफ उसला के कोई काम करवा दे अब प्रोवोक का मतलब क्या होता है प्रवोक का मतलब क्या होता है जब कोई पर्सन ना आपको जान बुझ कर उ आप कोई काम करो तो प्रवोक का मतलब तो उकसाना ही होता है एंटाइस और एल्योर तीनों का मीनिंग सेम है बचा आपके पास जो है है वो काफी वाली सेंस में है. जो चीज काफी ऑब्वियस है वो एलिसेट है एंटाइस एल्योर और आपके पास प्रोवो तीनों का मीनिंग सेम है तो इसका सिनोनिम भी क्या बनेगा एंटाइस आई होप आपके बात क्लियर आपको इसमें कोई डाउट नहीं राइट right? चलिए अब आगे हम चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट है इसका क्या है पारसी मनी अब पारसी मनी क्या होता है पारसी मनी आपके पास क्या है देखिए ये आपका एक नाउन है पारसी मनी पारसी मनी का मतलब क्या है अब यहां पे देखो आपके पास बहुत सारे ऐसे सपोज करो मेरे पास है लेट्स से ही इज वेट he never spends too much money i guess that is parsimony yeah that is a serious case of parsimony तब तो यहाँ से आपको आइडिया मिल गया होगा कि वो कभी भी ज्यादा पैसा स्पेंड नहीं करता और मैं सोचता हूँ कि यही वो केस है जो पारसी मनी का केस है अब यहाँ पर देखते हैं एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर तो खर्चा ही होता है हमारा जो हमारा एक खर्चा है जो चीज हम स्पेंड कर रहे हैं वो हमारा गया हमारा एक्सपेंडिचर है जितनी मनी वो है स्पेंड करेंगे जो हम खर्चा कर रहे हैं वो सभी एक्सपेंडिचर है बैंक करप्सी बैंक करप्सी क्या होता है जब आपके पास ना आपने बस एक लोन रीपे करना पर आप कर नहीं पा रहे आप बैंक करप्ट हो गए हो आपके पास इनफ मनी नहीं है अपने एक्सपेंसिस को मीट करवाने के लिए या देने के लिए वापस रिटर्न करने के लिए ब्राइबरी ब्राइबरी क्या होता है जब आप किसी को रिश्वत देते हो करप्शन में मेंस क्या होता है जब आपके पास पैसे तो हैं पर आप स्पेंड नहीं करना चाहते ज्यादा बेसिकली आप क्या हो आप खुद को रोक रहे हो अनविलिंग हो पैसे खर्च करने के लिए तो इसका करेक्ट सिनोनिम क्या बनेगा माइजी आई होप आपको ये बात क्लियर आपको इसमें कोई डाउट नहीं बहुत सिंपल सा था चलिए अब हम आगे चलते हैं हमारे पास क्या है सिक्सटी थ ट्रिबुलेशन अब ट्रिबुलेशन क्या होता है देखिए ट्रिबुलेश uh, है यह एक नाउन है इसका मीनिंग क्या होता है जो भी आपको अपनी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आती है तो आपके पास क्या है अनहेपीनेस पेन सफरिंग प्रॉब्लम्स आ, ये सभी क्या है ये आपके पास ट्रिबुलेशन का केस है अब यहाँ पर देखो जैसे सफरिंग आपके पास डायरेक्टली गिवन है वीकनेस तो वीकनेस होती है सिम्य क्या होते हैं सिम्यशन होते हैं जो एक्चुअली रियल नहीं है वो एक आपको शो किया जाता है कि ऐसे जैसे सपोज करो आप टीवी पर कोई एक रियल लाइफ जैसे सपोज करो आप जैसे ड्राइविंग के इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं कुछ इंस्टीट्यूट क्या करते हैं पहले आपको सिमुलेशन पर बिठाते हैं एक स्क्रीन दे देते हैं

पल्पिटेशन uh, के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ लेट्स से लायन सो क्लोज राम्स राम वाज़ फीलिंग पैलिपिटेशन अब ये क्या होता है पहले पटिशन होता है जब आपको एक ऐसा इंसिडेंट मिले जिसमें ना जो आपकी हार्ट बीट है वो स्ट्रेंजली एकदम बढ़ जाए मतलब आप क्या करें आपको ना बेसिकली डर बहुत ज्यादा लग रहा है या बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जिसमें जो आपका हार्ट है ना वो एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है ज्यादा पंप कर रहा है इसमें हम कभी कभी ये भी कहते हैं स्किप बीट हार्ट अ बीट मतलब क्या कहने का मतलब है कि आप इतने ज्यादा एक्साइटेड हो कि आपका जो हार्ट है ना वो ओवर वर्क कर रहा है और जिससे क्या हो रहा है कि एक ऐसी सेंस क्रिएट हो है कि या तो वो बहुत ज्यादा बीट कर रहा है या फॉर अ मोमेंट वो एक बीट को स्किप भी कर रहा है बेसिकली आप एक्साइटेड हैं तो उस सेंस में आप क्या लगा सकते हैं पालपिटेशन अब एक्साइटेड पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है एक्साइटेड नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है चलिए अब हम आगे देखते हैं हमारे पास सेवेंटी द प्राइम मिनिस्टर गोज ऑन द रैपर्ट ऑफ द रेड फोर्ट टू होस्ट द नेशनल फ्लैग उस चीज़ को हम क्या कहते हैं जब प्राइम मिनिस्टर रैम्पार्टस पे जाता है रेड फोर्ट के जो कि नेशनल फ्लैग को होस्ट करना है रैम्पार्ट्स क्या होता है ये छोटी छोटी वॉल्स होती हैं एक एरिया को सराउंड करते हुए जहां से हम कोई एक्शन करते हैं बेसिकली ये वॉल्स है ना ज़्यादा बड़ी नहीं होती तो रैम पार्ट उनको कहते हैं अब आपके पास बहुत सारे केसेज हैं रॉम्प वे स्टेयर केस ये एक्चुअली रैम्प वे होगा पैरापेट और स्कैफोल्ड इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ना पैरापेट ही बनेगा पैरापेट क्या होता है किसी भी एरिया के आसपास सराउंडिंग एक छोटा सा वॉल्स का स्ट्रक्चर जो ना सराउंड कर रहा है उसको वो वॉल्स इतनी बड़ी भी नहीं है कि आप उनको ट्रडिशनली एक वॉल कंसीडर कर लें और वो इतनी छोटी भी नहीं है कि वो लेवल पर रहे बेसिकली वो नॉर्मल हाइट पर होती है जहाँ से आपको क्लियरली विजिबल भी होता है हर चीज़ और वो ऐसा भी होता है कि वो सपोर्ट में कि वहाँ से कोई गिरना चाहे आई होप आपकी बात क्लियर है चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट में क्या गिवन है जो कि हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है नेक्स्ट है हमारे पास बार और ये वाला जो केस है ना टू थाउजेंड थर्टीन के मल्टी टास्क मल्टी टास्किंग स्टाफ में आता है एम टी एस के पेपर में आया था अब इसका जो मीनिंग है ये बहुत ईजी सा वर्ड है बार्बेरिक आपने बहुत बार ही सुना भी होगा आई एस आपने सुना होगा बार्गबेरिक क्या होता है ये एक एडजेटिव है ये जनरली ना उन लोगों के लिए लगता है जो सेवेजेज होते हैं सवेजेस क्या होता है ऐसे लोग जो ना बेसिकली एक रू में बेसिकली वो ना एक प्रॉपर सिविलाइज वे में काम नहीं करते होता है जो तौर तरीका आपको सिखाया हुआ है वो वे है है क्या होता है? वो लोग होते हैं जो ट्रेडिशनल रूल ट्रेडिशनल रूल्स या वेज को फॉलो नहीं करते बेसिकली बाग बैरिक को ना हम डेंजरस भी कह सकते हैं भी कह सकते हैं अनमैनर्ड भी कह सकते हैं तो बेसिकली बाग बैरिक क्या है कि एक तरीका भी हो सकता है किसी पर्सन का सिचुएशन को हैंडल करने के लिए या एक पर्सन खुद भी हो सकता है जब वो एक सिचुएशन को हैंडल कर रहा है बारबेरिक जनरली क्या होते हैं ये वो लोग हैं जो क्या करते हैं नॉर्मल रूल्स के अगेंस्ट चलते हैं या ये प्रॉपरली सिविलाइज वे में काम नहीं करते तो बारबेरिक आपके पास ये और इसका सिनोनिम क्या बनेगा अनिविलाईज बाकी के मीनिंग्स देख लेते हैं थॉर्नी थॉर्नी का का मतलब का मतलब थॉर्न कांटा होता है और कांटे जैसे का मीनिंग क्या होगा एक ऐसा पर्सन जो काफी इंटरफेयर करे एक सेंस में वो लगा लो ये काफी डिफिकल्टिएशन प्री मेडिटेटेड प्रीमेडिटेटेड का मतलब क्या होता है

चलिए अब हम आगे देखते हैं है उसके अंदर क्या है बहुत ईजी वर्ड है हर्डल ये तो आपने बहुत बार सुना ही होगा तो इसका मीनिंग मुझे एक्सप्लेन करने की भी नीड नहीं है इसका मीनिंग बनेगा ऑब्स्टेकल्स क्योंकि हर्डल्स होती क्या है हर्डल्स आपके रास्ते के बीच की रुकावटें होती हैं तो हिंड ऑब्स्टेकल्स हर्डल्स अब इसके बाद बाकी के मीनिंग्स आपको पता ही है सस्पिशन किसी पे शक करना बेसिकली डाउट करना डी ओ यू बी टी किसी चीज को फेंक देना इसका रिलिंक्विश भी हो सकता है डिजेक्ट भी हो सकता है रेनाउंस भी हो सकता है ऑपोजिशन ऑपोजिशन क्या होता है जो आपके अगेंस्ट लोग हैं राइवल्स जो आपके राइवल्स एनिमीज तो ये आपके पास इनके हो गए चलिए तो अब हम देखते हैं सेवेंटी थर्ड उसमें क्या है डिटर डिटर का क्या होता है डिटर का मीनिंग होता है बेसिकली किसी चीज को रोकना हिंडर इसका सीनोनियम है अब यहाँ पर देखो आ, इसका एक कॉमन से एग्जाम्पल ये ले सकते हो डिटेंशन भी होता है डिटर और डिटेंशन वैसे डिफेंस यहाँ पे इसके मीनिंग से तुम हेल्प ले सकते हो तो डिटेंशन क्या होता है जब हम किसी पर्सन को ना रोक लेते हैं बेसिकली केज्ड कर लेते हैं उसको ना फर्दर काम नहीं करने देते डिटेंशन एक सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट ही होता है स्कूल्स के अंदर भी डिटेंशन होती है ना जब आप गलत काम करते हैं तो आपको वहां पर डिटेन किया जाता है डिटेन का मतलब क्या कुछ देर के लिए आपको आपके पास रख रहे हैं तो आपको कंटिन्यू नहीं करने दे रहे ना तो यहाँ पर भी डिटर का मीनिंग भी क्या है डिटर का मीनिंग है किसी पर्सन को रोकना हिंडर मतलब रोकना निगलेक्ट इग्नोर करने वाली सेंस में होता है डिसअप्रूव किसी को अप्रूव ना करना टू तो डिफर किसी के अगेंस्ट अपने ओपिनियंस पास करना पर यहाँ पर तो हम बात रोकने की कर रहे हैं तो इसका सिनोनिम क्या बनेगा टू तो हेंडर आई होप आपको ये बात क्लियर आपको इसमें कोई डाउट नहीं बहुत सिंपल सा वोटा चलिए अब हम आगे देखते हैं हमारे पास क्या है 74th और वर्ड है disgrace disgrace इसका एक एग्जांपल लेते हैं सपोज करो जनरली हमें सुनने को मिलता है जब हम कुछ बुरा काम करते हैं यू हैव ब्रॉट disgrace टू आवर फैमिली क्या मीनिंग समझते हैं आप इसका यू हैव ब्रॉट disgrace टू आवर फैमिली और एक हिंट दे रहा हूं यहां पर डिस है ना डिस का मीनिंग है इसका मीनिंग तो कुछ नेगेटिव सेंस में आएगा है ना डिस अपोजिट में लगता है

jealousy, disregard या shame. Disregard का meaning क्या होगा वही disrespect वाला किसी के against जाना Disrespect मतलब किसी के respect ना करना तो तुमने हमारी family की disrespect ली है लेके हो मतलब तुमने reflect करवाया तो disrespect तो कोई वैसे ही करेगा ना जानबूझ के तो किसी से तो अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना कि हमें डिसरिस्पेक्ट कर तो वो खुद से ही करेगा ऐसा एक्शन हो नहीं सकता डिसग्रेस का मीनिंग क्या होता है जब आप, shame ले तो है, जब आप शेम लेके आते हो बेसिकली डिसग्रेस का मीनिंग होता है शेम जब आप कोई ऐसा काम करो जिससे आपको या आपके मतलब किसी भी सेंस में आपको शेम वाली सेंस मिल रही है आपको शर्म आ रही है या आप पर लोग मतलब शेम तो आप समझती हो ना क्या होता है तो डिसग्रेस का मतलब क्या होता है जब लोग आपकी बुराई करें या आपकी निंदा करें आपको क्रिटिसाइज करें आपको शेम करें शाम करें तो वही केस है चलिए अब हम आगे देखते हैं हमारे पास सेवेंटी फिफ्थ है ठीक है स्ट्राइकिंग स्ट्राइक का मीनिंग क्या होता है स्ट्राइक के ना अलग अलग मीनिंग्स है एक स्ट्राइक का मतलब होता है बीट वाली सेंस में मारने वाली सेंस में एक स्ट्राइक का मतलब क्या होता है रोकना पॉज वाली सेंस में तो बताइए अगर स्ट्राइक वाली सेंस में है तो स्ट्रक होगा है ना इट्स टक हार्ड तो वो तो मारने वाली सेंस में होगा जब स्ट्राइक एक नाउन का, का काम करेगा ना तो वो क्या बन जाएगा पॉज जब आप सारा काम करना बंद कर दोगे और एक स्ट्राइक क्या होता है स्टक वाला जब कोई ऐसी चीज जो आपको ना एकदम लग जाए अब लगेगी कैसे सपोज करो एक एग्जाम्पल लेके बात करते हैं पिक्चर ऑफ द रेनबो इन द स्काई लास्ट डे या प्रीवियस डे इज स्टिल stuck in my mind मीनिंग क्या हुआ कि कल रेनबो की जो पिक्चर है ना बेसिकली स्काई में आपने रेनबो देखा कल प्रीवियस डे आपने वो अभी भी आपके माइंड के अंदर है यहाँ पे लास्ट डे की जगह ना प्रीवियस डे लिख लो या यास्टरडे ये लिख लो वो ज्यादा सेंस भी दे रहा है तो ये लिख लेते हैं ज्यादा बेटर है कि कल मैंने जो पिक्चर देखी न, ना रेनबो की स्काई के अंदर बेसिकली पिक्चर देखी नहीं मतलब मैंने रेनबो को ही देखा डायरेक्टली स्काई में वो जो पिक्चर है ना वो जो इमेज है वो जो सीन है वो अभी भी मेरे माइंड के अंदर स्टक है स्टक का मतलब क्या है अभी भी अटका हुआ है ना और अटका कैसे क्योंकि आपको वो चीज काफी अट्रैक्टिव लगी है ना तो स्ट्राइकिंग का मतलब क्या होगा स्ट्राइकिंग का मतलब होगा एक ऐसी चीज जो काफी अट्रैक्टिव है आपके लिए तो अट्रैक्टिव इसका सिनोनिम है वायलेंट तो खतरनाक होता है फनी तो मजाकिया होता है हेटफुल तो वो चीज है जो आपके लिए आपको पसंद नहीं है आप उस चीज को हेट कर रहे हो तो वो सेंस नहीं बनेगी यहाँ पर क्या आएगा अट्रैक्टिव या स्ट्राइकिंग इंप्रेसिव भी हो सकता है तो ये आपके पास केस था आई होप आपको ये बात क्लियर आपको इसमें कोई डाउट नहीं बहुत सिंपल सा था चलिए अब हम आगे देखते हैं हमारे पास क्या है सेवेंटी फियास्को फियास्को क्या होता है सपोज करो शो वॉज अस्को एवरी थिंग वॉज Chaotic. The show was a fiasco, everything was chaotic. तो हम ना फूड प्रोवाइड करते हैं बेसिकली पार्टी जिसमे खाना पीना बहुत ज्यादा होता है बहुत बड़ी पार्टी वो एक फीसट है फॉर्च्यून फॉर्च्यून का अब यहाँ पर यह आपकी किस्मत भी हो सकती है या ये मनी भी हो सकती है फेलियर फेलियर का मतलब जो चीज खराब है डिजास्टर फेस्टिवल जिसको आप सेलिब्रेट कर सकें सेलिब्रेटेड भी हो सकता है बेसिकली एक ऐसी चीज जो काफी सेलिब्रेट की जाएगी वो एक फेस्टिव थिंग है फेलियर तो टोटल डिजास्टर है अब यहाँ पर देखो जो शो था वो एक फियासको था हर चीज जो थी ना वो क्योटिक थी क्योटिक का मतलब अनऑर्डरली थी सिस्टमेटिक वे में नहीं थी सब कुछ बिखरा हुआ था हर जगह तहस नहस थी एक सेंस में लगा लो यह बेसिकली कंफ्यूजन हर जगह तो फियास्को का मीनिंग क्या निकला फेलियर फियास्को होता भी क्या है फियास्को होता है एक कंप्लीट फेलियर utter failure disaster ब्लंडर भी कहते हैं इसको तो utter फेलियर का डिजास्टर या hmm. ब्लंडर वो क्या है वो फियास्को है फियास्को को हमेशा याद रखना वो एक नेगेटिव सेंस के करता है although वर्ड का सेंस आप डिक्शनरी में देखेंगे तो आपको पॉजिटिव भी मिलता कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इसका मीनिंग फेस्टिवल लगाते हैं बट ऐसा नहीं है इसका मीनिंग बनेगा फेलियर क्योंकि वो फियासको है जो नेगेटिव सेंस क्रिएट करे चलिए अब हम आगे देखते हैं हमारे पास सेवेंटी है उसके अंदर क्या है परसिस्ट परसिस्ट आपने सुना होगा परसिस्टेंस परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है परसिस्टेंस का ना समवर्ड मतलब होता है डिटर्मिनेशन यस yes, कभी कभी इसको हम रेगुलर वाली सेंस में भी कैरी करते हैं एक ऐसी चीज जो कभी खत्म नहीं हो रही वो रेगुलर है वो कॉन्टिन्यूस है वो 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 चीज बार-बार कर रही है, मतलब वो करती है, है, है? मतलब मतलब स्टिल करती अभी भी है। तो वो क्या? वो पर्षिस्ट है। पर्षिस्ट का मतलब जोर देना होता है तो इसका क्या बन जाएगा इंसिस्ट भी वैसे रेगुलर मतलब या कॉन्टिन्यूस होता है सपोज है जो time जितना मर्जी ट्रीटमेंट करवा लें पर वो इलनेस नहीं जा रही तो वो क्या वो सेल्फ परसिस्टेंस है ना परसिस्टेंट है वो थे एडिव बनेगा तो परसिस्टेंट हो जाएगा जो अभी भी एग्जिस्ट करती है वो कहीं गायब नहीं हुई तो, मतलब तो मना करना हुआ लीव का मतलब भी छोड़ देना हुआ क्विट का मतलब भी छोड़ देना हुआ तीनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही था तो ऑड वन आउट भी खेलते तब भी क्या बनता इंसिस्ट ही बनता क्योंकि बाकी के तीनों का मीनिंग तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रही है ना चलिए अब आगे देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट वर्ड हमारे पास सेवेंटी एट्थ है जो कि है इवेंचुअली इवेंचुअली का मीनिंग आपको ऑलरेडी पता है इसका मीनिंग फाइनली होता है हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था फाइनली में मतलब लास्ट में बिल्कुल और इसका सिनोनिम क्या बन जाएगा इसका सिनोनिम बन जाएगा फाइनली आपके पास गिवन ही है सक्सेसफुली का मतलब तो जब आप कोई काम करने में बिल्कुल सक्सेसफुल है तो बिल्कुल ठीक तरीके से जब कोई काम होगा तो सक्सेसफुल होगा इवेंचुअली का मतलब फाइनली होता है तो बिल्कुल लास्ट वाले सेंस में ब्रीफली का मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए थोड़े से टाइम के लिए प्रीवियसली का मतलब तो पहले होता है बट यहाँ तो रिपीटेड भी था चलिए अब हम आगे देखते हैं हमारे पास सेवेंटी नाइन्थ में क्या है में है इम्पेकेबल इम्पेकेबल एक अच्छा वर्ड है जब आप इम्पेकेबल होता क्या है ये एक एडजटिव ही है अब इसमें क्या होता है कोई एक ऐसी चीज जो आपके लिए बिल्कुल ऐसी है कि वो ना उसके जैसे कोई और है ही नहीं आप कंपैरिजन कर नहीं, सकते। उसमें कोई ही नहीं है। वो है। उसके आप कोई कमी ढूंढ ही नहीं पा रहे तो वो कैसी चीज है वो एक है। है जिसमें कोई नहीं है। के लिए क्या लगता है? Flaw, क्या होते है किसी भी चीज के अंदर जो मिस्टेक्स होती है सॉरी <laughs> तो इम्पेकेबल फ्लॉज काबल का, मतलब, का क्या हो जाएगा Flawless, और अनबिलीवेबल जिसका विश्वास ना किया जा सके कि ऐसा तो है ही नहीं रिमार्केबल जो चीज़ काफ़ी अच्छी है वो भी नहीं डिस्प्लीजिंग जो आपको अच्छी ना लगे बिल्कुल ही नहीं क्योंकि वो तो अनबिलीवेबल का तो पॉजिटिव हो गया डिसप्लीजिंग या रिमार्केबल का भी अपोजिट हो गया फ्लॉलेस एक ऐसी चीज़ जिसमें कोई मिस्टेक ना हो और इम्पेकेबल का मीनिंग भी वही होता है बहुत सिंपल सा वर्ड था आपने सुना ही होगा पहले भी तो चलिए अब हम आगे चलते हैं हमारे पास अब क्या है एटीएट्स है एटीएट्स में क्या है स्कॉर्न स्कॉर्न का मतलब क्या होता है स्कॉर्न बेसिकली देखो एक सेंटेंस देता हूँ ही सेट समथिंग विच वॉज वेरी स्कॉर्नफुल उसने एक ऐसी चीज बोली जो काफी स्कॉर्नफुल थी स्कॉर्न का मीनिंग क्या होता है बेसिकली जब आप किसी को ना कोई एक ऐसी बात बोले जो आपको हेट वाली दे और आपको वो हर्ट कर जाए स्कॉर्न का मतलब होता है हेट, किसी को हेट करना लोद करना डिस्पाइज करना तो इसका सिनोनिम क्या बनेगा डिस्पाइज कंसाइज का मतलब होता है शॉर्ट में सारी बात बता देना ज्यादा बड़ा बड़ी मत करना कम से कम वेज में किसी बात को बताने है, कम से कम वे में किसी चीज को कंप्लीट कर तो का मतलब शॉर्ट होता है वही ब्रीफ वाली सेंस में बायस बायस का मतलब क्या होता है बायस का मतलब एक ऐसा पर्सन होता है जो पार्शियल है मतलब वो ना किसी का सपोर्ट कर रहा है बायस है वो किसी की साइड झुका हुआ है वो किसी का साथ ज्यादा दे रहा है किसी का साथ जानबूझ नहीं दे रहा तो बायस हो जाएगा फियर्स फियक्स का मतलब तो बोल्ड होता है एक ऐसा पर्सन जो काफी बहादुर है आपको अब हम आगे चलते हैं हमारे पास एटी फोर्थ एटी फर्स्ट है उसमें देखते हैं क्या है कितास्ट्रोफी. कितास्ट्रोफी भी बहुत अच्छा वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है वही फियास्को वाली सेंस में एक ऐसी सिचुएशन जो कि काफी डिजास्टर हो ट्रैजेडी हो तो सो क्या बनेगा ट्रैजेडी, एंगर तो गुस्सा होता है बिल्कुल नहीं वायलेंस अगेन वायलेंस तो वायलेंस ही है, मारपीट हेटरेट किसी से हेट नहीं कैटास्ट्रोफी का मतलब तो ट्रैजेडी होता है एक ऐसी दुर्घटना डिजास्टर भी हो सकता है डिजास्टर या ट्रेजडी आई होप आपके बात क्लियर ट्रेजडी का अपोजिट क्या होगा कॉमेडी समझे ट्रेजेडी का अपोजिट कॉमेडी चलिए अब हम आगे चलते हैं हमारे पास 82 सेकंड है 82 सेकंड में क्या है अबजर्व अब अबजर्व अब क्या होता है अबजर्व का मीनिंग होता है किसी चीज को छोड़ देना रिनाउंस लीव कर देना forsake कर देना अनाउंस तो किसी चीज को अनाउंस करना प्रनाउंस का मतलब प्रनाउंस बोल के बताना और डनाउंस के बोर्डिस तो आपके पास डनाउंस तो है ये

Overload, overload का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ पर इतना कर देना कि वो नॉर्मली वर्क ना कर पाए पर्मेट, पर्मेट का मतलब तो किसी को करना ही होता है बात enter की, enter का मतलब तो तो अंदर ही है, है ना? तो enter, enter करने वाली में हो गया। किसी को अलाउ करना हो गया ओवरलोड काम बढ़ा देना या किसी पर प्रेशर इंक्रीज कर देना असेस का मतलब मेजर करना ही है तो इसको क्या बनेगा? Hope, आप कोई बात क्लियर आपको इसमें कोई डाउट नहीं है ना बहुत सिंपल से वर्ड्स थे आज के लिए हमारे पास चलिए अब हम आगे देखते हैं हमारे पास क्या है आज के लिए लास्ट वर्ड इलास्टिक इलास्टिक का मीनिंग क्या होगा फ्री लिबरल फ्लेक्सिबल या ब्रॉड आप बताइए इलास्टिक क्या होता है इलास्टिक ऐसी चीज होती है ना जो काफी स्ट्रेच हो सकती है स्ट्रेच हो सकती है मतलब वो कैसी है ऑब्वियसली वो फ्लेक्सीबल है इसका मीनिंग तो हर किसी को गेस कर दिया होगा अगर किसी ने तो फ्लेक्सीबल तो सिनोनिम है फ्री और लिबरल दोनों सिनोनिम्स है मतलब फ्रीडम वाली सेंस में और ब्रॉड Broad का मतलब क्या होता है काफी एक्सपोज भी कह सकते हो को का मतलब काफी चौड़ा भी हो सकता है ये broad का मतलब ऐसा हो सकता है कि वो काफी लार्ज है मतलब जो कोई एक ऐसी बात है जो सिंपली आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, बहुत बड़ी बात है तो वो एक ब्रॉड केस बन जाए जिसको आप इजीली एक्सप्लेन ना कर पाओ तो आज हमारे पास यही सिनोनिम्स से आई होप आपको ये सभी क्लियर हो चुके हैं इसमें आपको कोई डाउट नहीं है सो थ्रूआउट दिस वीडियो का आपको कुछ भी क्लियर हुआ हो कुछ भी ऐसा वर्ड मिला हो जो आपको ऑलरेडी पता था मुझे कॉमेंट में बताना कौन सा वर्ड आपको ऑलरेडी पता था कौन कौन सा नहीं पता था कौन से ऐसे थे जिनका आपको मीनिंग तो पता था बट वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं थे ऑप्शन में अवेलेबल नहीं थे वो तो मुझे पता ना आपके अकाउंट ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव जितने भी थे आज के लिए कितने करेक्ट आए इसमें अब मैं मिलूंगा आपके आपको अपने नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम मोस्ट प्रोबेबली क्या करेंगे इन तो मिलते हैं अगले सेशन में तब तक के लिए जितने भी सिनोनिम्स हमारे हो चुके हैं कुछ आएगा इसमें एक आइडिया ले रहा हूँ हंड्रेड के अकाउंट तो हो ही चुके होंगे कंसडरिंग उनके ऑप्शन और उनके मीनिंग टू तो हंड्रेड के अकाउंट एंड है रिवाइज कर लेना बाकी आप खुद से भी रीडिंग करते रहिए आपको नए नए वर्ड्स मिलेंगे सीखने को अब मैं मिलूंगा आपको अपने नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए जितना हो सके उतना पढ़िए और अपनी नॉलेज को चेक करना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो डिस्क्रिप्शन में आपको कहीं दिख रहा होगा नीचे उसका लिंक उसको ज्वाइन कर लो कॉन्टीन्यूसली हम वहाँ पर क्विजिस को होस्ट करते रहते हैं जिसमें आप अपने क्वांट रीजनिंग और जीएस और इंग्लिश सभी को चेक कर सकते हो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग बाय फॉर नाउ।